बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय सहरा किचन। दोस्तों, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मसाला मटर पुलाव, या इसे तहरी भी कह सकते हैं, ताहिरी भी बोला जाता है। सब जगह के अपने अपने अलग अलग नाम हैं। तो यह मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। यह मैंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग 250 ग्राम चावल लिए हैं, और ये चावल भीगने वाला नहीं है। आप अपने जो भी चावल आप यूज़ करते हैं तो आप ले लें अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और यहाँ मैंने लिए हैं एक बड़ा टमाटर जिसको मैंने कट कर लिया है, और ये मटर के दाने हैं। तो ये दाने 150 ग्राम ये दाने हैं। थोड़ा सा लिया है हरा धनिया, एक लिए है मैंने प्याज, और थोड़ी सी लिए हैं हरी मिर्च 4 से 5, और आलू लिए हैं। तो आलू मैंने लिए थे, बड़े आलू थे, तो 3 आलू लिए थे, उसको मैंने कट कर लिया है। और लिया है मैंने यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसमें से मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, और उसके बाद थोड़े से मसाले भी जाएंगे, तो हम दिखाते जाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, ये विंटर का स्पेशल पुलाव होता है, और दिन में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ज़्यादातर ये दिन में ही बनाया जाता है, और धूप में बैठ के खाने का इसका मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ लिया है मैंने कुकर, और इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी तेल गर्म होने के बाद थोड़ा सा मेथी दाना, और चटक जाने देते हैं इसे। और उसके बाद में इसमें अनियन जो हमने कट करके रखी है वो ऐड कर देंगे। तो अनियन का कलर हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और इसके बाद बस हम डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ मैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसको हम 1 मिनट तक ऐसे ही भून लेते हैं बिना पानी के। तो 1 मिनट हो गया है, और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी, बस इतना ही अभी हमें डालना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से सूखे मसाले, तो यहाँ हल्दी मैं डाल रही हूँ 1 फुल भर के चम्मच। हल्दी थोड़ी सी इसमें ज़्यादा जाएगी, और इसके बाद नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नमक अभी हम इतना डाल रहे हैं 1 चम्मच, और बाद में हम पानी में इसका नमक टेस्ट कर लेंगे, कम होगा तो और ऐड कर देंगे। फिर डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च, तो थोड़ी सी चटपटी अच्छी लगती है ये। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर, आधा चम्मच ही मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया था। अच्छी तरह मसालों को मिला लेते हैं। और मसाले को हम कम से कम 5 मिनट तक भुन जाने देंगे। तो इसमें ऐड कर दूंगी मैं अभी टमाटर, अब हम इसे 5 मिनट तक भूनेंगे मसाले को। तो यहाँ मसाला भुन चुका है बहुत अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू, आलू मैंने ज़्यादा ही लिए हैं क्योंकि मेरी फैमिली में आलू ज़्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे मटर, हरा धनिया, मटर सब हमने ऐड कर दिया है। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें चावल। तो चावल को हमने 3 से 4 बार अच्छी तरह पानी से धो लिया है। तो चावल के साथ थोड़ा सा मिक्स होके ये पक जाए 2 मिनट, फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी।
तो चावल में अच्छी तरह से बॉईल आ गया है, दो मिनट इसके साथ पक चुके हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये आधा एक चौथाई चम्मच में इसमें गरम मसाला होममेड ये मैं डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा गरम मसाला है। इसमें मैंने सारी चीज़ें पीस के रखी हैं। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और गरम मसाले की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, तो जितने मैंने चावल लिए हैं उससे दुगने से थोड़ा सा कम पानी इसमें ऐड कर देती हूँ। तो आप अपने अंदाजे से जितना आप चावल पानी आपका लेते हैं उतना पानी आप इसमें ऐड कर दें। तो मैंने एक गिलास चावल लिए थे, तो मैं यहाँ पर डेढ़ गिलास करीब पानी मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि कुकर में मैं बना रही हूँ। अगर भगोने में मैं बनाती इसको तो फिर दो गिलास पूरा मैं पानी इसमें ऐड कर देती दुगना। तो इसमें लगा लेते हैं हम दो सीटी, एक सीटी हम फुल फ्लेम पे लगाएंगे और एक सीटी हम फ्लेम को स्लो करके लगाएंगे। तो दो सीटी आने के बाद हम इसको दिखाते हैं। इस टाइम आप इसमें नमक टेस्ट कर सकते हैं, नमक कम हो यानी चावल में जब चटक नमक होगा यानी थोड़ा सा तेज़, तो फिर इसका मतलब है कि चावल में वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो इसी टाइम चावल में नमक टेस्ट करें, क्योंकि फिर बाद में नमक आप नहीं डाल सकते हैं। तो इसके साथ ही हम एक तैयार करेंगे चटनी। तो यहाँ मैंने एक मिक्सर जार लिया है और इसमें मैंने कुछ सामान डाला है, जैसे कि फ्रेश हरा धनिया। तो ये मैंने एक बाउल भर के लिया है, क्योंकि हरा धनिया का टेस्ट विंटर में बहुत अच्छा लगता है, ख़ासकर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हरा धनिया का टेस्ट विंटर्स में। और फिर ये ली है मैंने सूखी वाली लाल मिर्च, ये ली है मैंने 10 से 12, और ये 6 से 7 ली है लहसुन की कलियाँ, और नमक लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पिसा हुआ अमचूर भी डाल लेती हूँ, और इसको हम 1-2 चम्मच पानी के साथ बहुत इसको पीस लेते हैं, और पतली नहीं करनी है चटनी। तो चलिए हम इसे भी बना लेते हैं। तो ये चटनी बटर पुलाव और तहरी या बिरयानी किसी के साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है, तो इसको ज़रूर बना लें। तो 2 सीटी आ गई है, तो चलिए कुकर को हम खोल कर देख लेते हैं। और ये देखिए कितना परफेक्ट ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप इसका लुक। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो मसाला मटर पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इसको मैं आज चटनी और ये खीरे के साथ सर्व कर रही हूँ, क्योंकि इसी के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसके बाद मैं ये दिखा देती हूँ इसका लुक। तो ये देखिए कितना ये यम्मी लग रहा है देखने में। तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और ये दिन में तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। धूप में बैठ के तो इसका मज़ा ही दुगना हो जाता है धूप में बैठ के खाने से। तो इसे ज़रूर से बनाएं और इन्जॉय करें मेरी रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। मैं मिलती हूँ ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।